साबिक सफीर अब्दुल बासित ने वजीर आजम को धमकी में इस खत के मामले पर रद्दमल देते हुए कहा है कि कभी ऐसा नहीं होता कि कोई रियासती ओहदेदार किसी सफारतकार को कहे कि जब तक आपकी हुकूमत को खत्म नहीं करेंगे हम आपसे वास्ता नहीं रखेंगे। ये जो मुरासला दिखा रहे हैं वो हमारे सफारतखाने और स्टेट डिपार्टमेंट के मिनट्स हैं। ये भी मुमकिन है कि हमारे सफीर ने आखिरी पैराग्राफ में अपना नतीजा दिया हो। मरासला सामने लाना बहुत बड़ी गलती है। इन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इमरान खान की नज़र अगले इंतखाबात पर है। अगर वो तहरीके अदम इत्माद हार जाते हैं तो इन्हें बयानिया बनाना है और यही बयानिया बनेगा कि मुझे हटाया गया, मेरे खिलाफ साजिश की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान में अदम इत्माद की तहरीक में करारदार से लातल्की का इजहार कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अदम एतमाद में अमरीका के मुलविस होने के इल्जामात में सदाकत नहीं है। इन्होंने कहा कि अदम एतमाद के बारे में धमकी में इस खत में सदाकत नहीं, पाकिस्तान में जारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, पाकिस्तान के आईनी अमल की तकरीम करते हैं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और नाजिम जोखियो कतल केस के मुलजिम जाम अब्दुल करीम कराची पहुँच चुके हैं। जाम अब्दुल करीम कराची एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में रवाना हुए। जाम अब्दुल करीम का इस्तकबाल करने वालों में पार्टी गुजरा और रहनुमा शामिल थे। जाम अब्दुल करीम तहरीक अदम एतमाद में अपना वोट भी इस्तेमाल करेंगे। जाम अब्दुल करीम नाजिम जोखियो के मुकदमे में सिंध हाईकोर्ट से 3 अप्रैल तक हिफाजती जमानत पर भी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन में अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक के इजलास से खिताब कर रहे हैं। I myself visited Kabul in October 2021 to underscore Pakistan's commitment to a stable, peaceful, sovereign, prosperous and connected Afghanistan. I also share the international community's expectations from the new Afghan authorities to help avert a humanitarian crisis and strengthen Afghanistan's quest for a sustainable economy. Pakistan took a series of steps. These included a ₹5 billion assistance package, including provision of meat, increase in the number of commodities being traded in local currency, and capacity building. मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN News Live.